हेलो प्रॉपर्टी एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने हमारा एक ट्रेलर देखा था आज से कुछ दिन पहले, और उसमें हमने आपको कुछ टीज़ की थी कुछ प्रॉपर्टी, जिसमें हम आपके लिए 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के ऑप्शंस लेके आए थे। तो आप सभी ने बोला कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रॉपर वीडियोज़ डालें, और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए। तो वही प्रॉपर्टी का टूर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इस लोकेशन के बारे में, एंड उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं हमारी इस प्रॉपर्टी को, हमारे पास क्या अवेलेबल है और किस किस डाइमेंशंस के साथ है। तो सबसे पहले ये जो लोकेशन है दैट इज़ बरोग, एग्जैक्टली बरोग लोकेशन है। एंड अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, चंडीगढ़ से अप्रॉक्स 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1-1.5 आवर मैक्सिमम का ड्राइव रहता है बरोग का। और उसके साथ अगर हम दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से भी 300 किलोमीटर के अंदर अंदर ये जो प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन वो 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे चलेगी वैसे आपको पता लग जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 1 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट लेके आया हूँ, जिसका साइज रहेगा 850 स्क्वायर फीट। 850 स्क्वायर फीट में ये प्रॉपर्टी 1 BHK फुली फर्निश हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड प्राइजेस का आप हर वीडियो में पूछते हैं और हर चीज़ में पूछते हैं, और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो प्राइजेस होते हैं वो वेरी करते हैं टाइम फैक्टर की वजह से भी, एंड कॉस्टिंग अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हम इसीलिए उसको इस वीडियो में मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस तरफ लेफ्ट साइड में इस एरो को देखेंगे, इस पर आप क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी की डिटेल, जो प्रेजेंट प्राइस है, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर इन्वेंट्री के साथ ये प्रॉपर्टी आती है। तो मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में आपको मैं दिखाऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्रॉपर्टी है, तो प्राइजेस भी थोड़े से प्रीमियम ज़रूर होंगे, लेकिन आपको एक सिंगल रुपीस भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो वर्थ नहीं है, बिकॉज़ ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली बिल्ट है। एंड अगर बात करें हमारे 1 BHK अपार्टमेंट की, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, उसका साइज़ जो रहेगा वो रहेगा 850 स्क्वायर फीट। 850 स्क्वायर फीट में, जहाँ पे और जगहों पे लोग 2 BHK अपार्टमेंट देते हैं, वहाँ पे हम आपको एक 1 BHK अपार्टमेंट दे रहे हैं फुली फर्निश्ड। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस होगा और कितना ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहने वाला, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू। तो अभी तक के जो भी हमने शॉट्स अटैच करे हैं उसमें आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितनी अमेजिंग ये प्रॉपर्टी है, और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रॉपर्टी को। तो जस्ट अब हमारा जो 1 BHK है उसका हम टूर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उस टूर को स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्रीमाइसिस के बारे में हर चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये टफ एंड ग्लास की हमारी एंट्रेंस है जो कि मेन रहेगी, और इसके बाहर हमारी ये जो पार्किंग आप एरिया देख सकते हैं, ये 2 BHK के टू व्हीलर्स के लिए हमारे पास पार्किंग स्पॉट है। और उसके बाहर अगर आप सामने देखेंगे, हमारे पास 4 व्हीलर्स की कार पार्किंग है, जो कि हमारे जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उनके लिए रिजर्व रहेगा। एंड अगर हम रोड की अप्रोच की बात करें, तो नेशनल हाईवे से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो स्टेट हाईवे है उससे अराउंड 800 मीटर का डिस्टेंस है इस प्रॉपर्टी का। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रॉपर्टी को बनाया गया है, और जो इसका कंसेप्ट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं उस तरीके से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बार पार्किंग एरिया एक बार दोबारा देख लीजिए, और रोड एक्सेसिबिलिटी आप देख लीजिए। यही रोड आपको मिलेगी इसी तरीके से, जो कि कनेक्टिंग रोड होगी, इतनी ज़्यादा वाइडर रोड नहीं होगी, बट डिसेंट अमाउंट आपको मिल जाता है। उसी के साथ जैसे ही हम हमारे इस डोर से एंटर हुए, हमारे पास ये राइट साइड में हमारा रास्ता जाता है, जिसके थ्रू हम स्टेयर्स प्लस लिफ्ट, आपको लिफ्ट भी मिल रही है इस प्रॉपर्टी में, स्टेयर्स और लिफ्ट दोनों का प्रोविज़न दिया गया है आपके जो भी अपार्टमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए। और
कंसेप्ट जो है हमारा वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत अच्छा ध्यान इसमें दिया गया है। ये सभी एज इट इज़ रहेगा। जैसे जब हम आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करेंगे, जो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं वो एज इट इज़ रहेगी या फिर उससे अपग्रेड करके आपको दिया जाएगा। ये आप सिटिंग एरिया देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से वुड लॉक के साथ बनाया गया है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक कॉमन बेल्कनी एरिया है जिसमें आप स्पेस देख सकते हैं, और इन केस आप 5 to 7 फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग इन्वेंट्री परचेस करते हैं और सभी इकट्ठा बैठना चाहते हैं तो इस एरिया में बैठ के आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आपको जो सीनिक व्यू, एक्चुअल हिमाचल का व्यू है वो मिल जाता है। एंड उसी से अगर हम आगे चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो और ज़्यादा छोटी इसको हम रख नहीं सकते, तो उस चीज़ की मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, ज़्यादा चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये हमारे जो भी मेंटेनेंस स्टाफ होगा उसके लिए सिटिंग एरिया रहेगा। फर्दर जिस पॉइंट से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी वो भी अगेन हमारा एक सिटिंग एरिया रहेगा, और वो सिटिंग एरिया है। और आप सोचिए कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपकी फैमिली के साथ आप इस व्यू में जा रहे हैं, और आजकल रील्स का बहुत अच्छा ट्रेंड है तो आपके छोटे बच्चे हैं रील्स बनाते हैं तो वो तो पूरा दिन यहीं पे एंजॉय करेंगे, बहुत सारी रील्स बना के डालेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से बना पाएंगे, बहुत अच्छा कंटेंट भी उनको मिल जाएगा। तो हर तरीके के पर्सन्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड ये कॉमन एरिया है जो हमारी पूरी ये जो प्रेमाइसिस है उसमें कॉमन एरिया है, जितने भी पर्सन यहाँ पे अपार्टमेंट्स रहेंगे उनको ये एक्सेसिबल रहेगा। उसी के साथ हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट का भी यहाँ पे प्रोविज़न रखा है, इन केस आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो अपनी प्रेमाइसिस में कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास सिटिंग टेबल मिल जाती है, चेयर इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, यहीं पे सेम एक और टेबल लग जाएगा और अगेन 8 to 10 सीटर यहाँ पे आपका टेबल सेट लग जाएगा यहाँ पे। प्लस अगर आप इस रेस्टोरेंट की किचन स्पेस देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। तो ये देखिए, आपको जिस तरीके की भी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, जो भी सामान आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे बनके मिल जाएगा। इन केस आप पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या फिर LED टीवी पे कोई प्रोजेक्टर पे कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया है, आप LED टीवी या फिर प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, आपकी फैमिलीज के साथ अपने जितने भी पर्सन हैं उनके साथ मूवी भी देख सकते हैं। तो ये 3-in-1 काम करने वाली है ये प्लेस। सबसे पहले ये रेस्टोरेंट का काम करेगी, सेकंड काम करेगी ये एज अ इंडोर थिएटर की तरह, और थर्ड एक और काम ये करेगी जो कि रहेगा डांस पार्टी के लिए। अगर कोई पर्सन डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो यहाँ पे स्पीकर्स लगा के यहाँ पे स्पेस वेकेंट करके अपनी फैमिली के साथ डांस पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से इस प्रॉपर्टी को बनाया गया है, और आई थिंक आप वो क्रिएटिव तरीका हर जगह, हर छोटी छोटी जगह पे देख भी पा रहे होंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, आई थिंक मैं हर पर्सन की जानता हूँ क्योंकि वो हर चीज़ एक एक चीज़ बहुत डीपली और अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं। और ये जो प्राइसिंग है तो इसी प्रीमियम रहेगी, लेकिन अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा बहुत डिसेंट तरीके से आपके लिए इस चीज़ में प्रोविज़न दी गई है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो सबसे पहले अगर आप आते हैं तो ये कॉमन एरिया से आपने एंट्री करी, राइट साइड में आपको लिफ्ट मिल जाएगी। राइट साइड में आपको लिफ्ट मिल गई, यहाँ पे आप वुडन पैनलिंग देख सकते हैं। आप सोच पा रहे होंगे कि कितनी अच्छे तरीके से जो कॉस्ट कटिंग वाला फैक्टर है उसको एलिमिनेट किया गया है। जहाँ जितनी ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है, जितना ज़्यादा प्रीमियम फिनिश दिया जा सकता है, वो फिनिश इस प्रॉपर्टी में दिया गया है। उसी के साथ अगर आप स्टेयर्स देखेंगे, स्टेयर्स की आप सबसे पहले आप डाइमेंशंस देखिए और इसकी थीम देखिए। ज़्यादातर पर्सन आपको नॉर्मल प्लेन स्टेयर्स दे देते हैं, लेकिन इसमें आपको ड्यूल शेड में आपको स्टेयर्स दी जा रही है। अगर आप ध्यान से मेरी तरफ आएंगे और ये देखेंगे कि स्टेयर्स में अलग अलग पैटर्न भी दिए गए हैं और प्लेन तरीके से भी आपको स्टेयर्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। एंड अब चलते हैं हमारे 1 BHK अपार्टमेंट में, और उसकी एंट्री में दोनों तरीके से एक्सेसिबल है, लिफ्ट से भी स्टेयर से भी। तो पहले मैं लिफ्ट से चलता हूँ और हमारा 1 BHK जो है वो उसको एक्सप्लोर करता हूँ।
तो ये हमारी लिफ्ट थी एंड लिफ्ट से ही आपका ये एक्सेस आ जाता है। उसी के साथ अगर आप स्टेयर से आते तो यहाँ से आपकी जो स्टेयर्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसको अभी ओपन नहीं करूँगा बिकॉज इसके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर आपको सोल्ड दिख रहा होगा, ये सोल्ड नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा वो किसी और अपार्टमेंट पे लगाना था, तो एग्जैक्टली ये अपार्टमेंट भी फॉर सेल अवेलेबल है। तो एक बार और मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ये मेरे सामने पैटर्न देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में हमने बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच देने की कोशिश की है। और अगर आप इसको पैटर्न को देखेंगे तो वॉल पेंट के साथ आपको डिज़ाइन दिया जा रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट और यूनिकनेस इसमें हमने डाली हुई है। और अगर आप डोर की डायमेंशन देखेंगे और डोर का कंसेप्ट देखेंगे, पेंट वर्क देखेंगे, सभी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रहेगा। तो चलते हैं फाइनली हमारे 850 स्क्वायर फीट के 1 BHK फुली फर्निश्ड में, जो कि एज इट इज़ आपको दिया जाएगा। एग्जैक्टली ये यूनिट फॉर सेल भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं, ये देखिए। तो ये रहेगी हमारी एंट्री, ड्राइंग एरिया ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डायमेंशन जाननी है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी मैं फॉल्स कमिटमेंट कर दूं या फिर गलती से कोई गलत डायमेंशन बना दूं इस वीडियो में, इसीलिए मैं हमारी ज़्यादातर वीडियोस में आपको रूम डायमेंशंस नहीं बताता हूँ। अगर आपको डायमेंशन चाहिए या डिटेल चाहिए, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको सभी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ड्राइंग एरिया देखिए। कोई कह सकता है कि ये 1 BHK का ड्राइंग एरिया है इतना ज़्यादा मैसिव साइज़ में। और उसी के साथ साथ अगर आप इसकी फॉल सीलिंग देखेंगे तो आप हमारे इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल तरीके से, जिसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल ब्यूटी, जो इस अपार्टमेंट में डाली हुई है। ये सभी चीज़ें हम आपको इसमें लगा कर दे रहे हैं, चाहे ये आप ये देख सकते हैं, चाहे आप ये चेयर्स देख सकते हैं, ये सोफ़ा सेट, ये लैम्प, कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो में दिख रही है, इवन दिस काइंड ऑफ मिरर्स एज वेल, सब चीज़ें हम आपको दे रहे हैं इसमें। और उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा सामने देख रहे हैं तो आपको LED TV भी मिल रहा है एंड कर्टन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तो ये भी जल्दी से अपनी किचन में सेट हो जाएगा। तो अगर हम किचन में चलते हैं तो अगेन आप साइज़ देख सकते हैं किचन का। किचन भी कम्प्लीटली वेंटिलेटेड है, एयर और विंड बहुत इजीली और लाइट बहुत अच्छे तरीके से इसमें एंटर कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से और डिसेंट तरीके से इस किचन को प्रिपेयर किया गया है। उसी के साथ जितनी भी आपको फिटिंग्स दी जा रही हैं सभी सॉफ्ट टच हैं। अगर मैं ये देखूँ, आप ये देख सकते हैं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो धीरे धीरे अपने आप ही क्लोज़ हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ जितने भी हमारे नीचे वाले कैबिनेट्स हैं, ये सभी हमारे काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ हैं, प्रॉपर मॉड्यूलर किचन है जो कि सॉफ्ट टच में आपको दी जा रही है। एंड फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स सभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हर जगह पे प्रोविज़न आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का प्रोविज़न है और अगर आप यहाँ पे कुछ भी अपना माइक्रोवेव रखना चाहते हैं, माइक्रोवेव, यहाँ पे गैस ऑफ, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ का आपको प्रोविज़न इसमें दिया जा रहा है। तो ये हमारी किचन थी, आप डायमेंशंस ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद चलते हैं हमारे बेडरूम में। तो 1 BHK में एक बेडरूम मिल रहा है जो कि सेपरेटेड है, प्रॉपर 1 BHK है ये। एंड चलते हैं हमारे बेडरूम में और ये रहेगा इसका बेडरूम एज इट इज़। अगेन आपको दिया जा रहा है बेड एंड ये जो आप देख सकते हैं मैट्रेस, ये लैंप्स आप देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी आपको दिख रही है, कर्टन्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपको इसमें प्रोविज़न दे रहे हैं। और उसी के साथ अगर आप इसकी बेल्कनी अगर आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि हम मेरे को ये 1 BHK फॉर श्योर परचेज करना ही करना है। बेल्कनी में भी चलेंगे, आप हल्का सा झलक ले लीजिए, लेकिन एक्चुअल में इसका वॉशरूम भी बहुत डिसेंट तरीके से मेंटेन किया गया। तो एक बार वॉशरूम देखते हैं फिर चलते हैं हमारी बेल्कनी में। तो ये इसका वॉशरूम है एंड वॉशरूम से भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आपको बेल्कनी का एक्सेस है और ये सारा जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, सो दैट प्राइवेसी मेंटेन रहे। वॉशरूम में भी ये सभी कवर भी हो जाएगा और ये ओपन भी हो जाएगा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये आपका
बाथिंग एरिया है एंड जो भी फिटिंग्स आप देख रहे हैं आपको सभी जगुआर की मिल रही है, कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग का कोई भी आपको नहीं एलिमेंट दिखेगा। अभी आपने देखा होगा इसमें आपको वार्डरोब नहीं मिल दिखे अभी तक, तो वार्डरोब भी इसमें दिए जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे सामने आएंगे, आप इधर से अगर शॉट लेते हैं हमारी इस वीडियो का, तो मैं आपको इसमें आपके वार्डरोब भी दिखा पाऊंगा। तो ये सामने आप देख सकते हैं आपके वार्डरोब्स, वार्डरोब्स भी आपको काफ़ी आई थिंक लॉक है, एक तरफ से लॉक है वार्डरोब। तो ये देखिए आपको वार्डरोब इंटरनली आपके वॉशरूम में मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपको दिया जा रहा है। एंड ये भी आप देख रहे होंगे तो ये भी चाइना वेयर नहीं है, ये भी प्रॉपर मेटल का आपको दिया जा रहा है। तो हर चीज़ बहुत टेस्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रीमियम फील के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और अब चलते हैं इस अपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट पे, जो रहेगा इसका बैल्कनी। तो चलिए फाइनली चलते हैं इसकी बैल्कनी में। बैल्कनी में एंटर होते हुए भी आपको मेश डोर मिल रहा है, सो दैट इन केस ऑफ एयर आपको चाहिए तो आप मेश डोर क्लोज करके इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे इन केस आपको थोड़ा ठंड वाला टाइम होता है तो इसको आप आई थिंक ये जो डोर है ये भी हमें और थोड़ा सा वेट करवाना चाह रहा है, ये ओपन ही नहीं हो रहा है। आई थिंक इसके लॉक में कोई इशू आ रहा है क्योंकि अरे भाई खुल जाए यार, सब वेट कर रहे हैं बैल्कनी में जाने का और ये डोर कह रहा है कि नहीं थोड़ा सा और वेट करो। तो इसको खोलते हैं, अब चलते हैं बाहर बैल्कनी में एंड ये मिल जाएगी आपको बैल्कनी आपकी, ये आपकी बैल्कनी रहेगी। एंड ये एरिया सारा आपका प्राइवेट आपका पर्सनल एरिया रहेगा। उसके साथ साथ एक और अपार्टमेंट टच करता है तो इसको एज इट एज ऑन अभी हमने इसमें पार्टीशन नहीं दिया, इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी चाहिए तो इसको आप बंद कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर आपका इंडिपेंडेंट जो है 1BHK बैल्कनी काफ़ी ज़्यादा आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से इस इन्वेंट्री को बनाया गया है और अभी हम जो इसके फ्लोर पे हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, टोटल 6 फ्लोर्स हैं तो हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं एंड 5th फ्लोर पे हमारा जो कॉमन एरिया था वो था। तो एंड अगर आप ग्राउंड फ्लोर से व्यू देखते हैं तो ये व्यू आपको मिल जाता है, बर्ड्स की भी आवाज़ आई थिंक थोड़ी बहुत माइक में आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग साउंड्स आ रही हैं चारों तरफ से। एंड जो व्यू आ रहा है हर फ्लोर से एग्जैक्टली सेम आपको व्यू मिल रहा है, ग्रीनरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है आसपास, ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे और कुछ प्रोविज़न नहीं है, जितनी कंस्ट्रक्शन होनी थी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। एंड बहुत अच्छे तरीके से इस इन्वेंट्री को प्रिपेयर किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत टेस्टफुली ही आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो ये था हमारा 1BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट जो कि जिसकी लोकेशन है बरोग। बरोग का जो डिस्टेंस है जैसा कि मैंने बताया चंडीगढ़ से 55 किलोमीटर का है, दिल्ली से 300 किलोमीटर के अराउंड होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत टेस्टफुली इस प्रॉपर्टी को मेंटेन किया गया है एंड बाकी कोई भी डिटेल आपको इस प्रॉपर्टी की चाहिए बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करूँ। एंड इसके बाद हमारे 2BHK जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी बैल्कनी का आप साइज़ देख के ही हैरान हो जाएंगे। एंड उसके बाद हमारा 3BHK जिसमें आपको जो रूम साइजेस मिल रहे हैं, जो डायमेंशंस मिल रहे हैं, अगेन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और उसी के साथ अगर आप एक 4BHK का ऑप्शन चाहते हैं, हम 2+2 ऐसे हमारे पास यूनिट अवेलेबल हैं जिनको एज एन 4BHK भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वो वाली वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर बहुत शॉर्टली आने वाली हैं, तो अब तो आपको ज़बरदस्ती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसी इन्वेंट्री हम खुद जानते हैं आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उन इन्वेंट्रीज़ को देखने के लिए। तो अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, इस वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए बिकॉज इसको आप ज़रूर दबाने वाले हैं और ज़रूर बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने वाले हो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।